Hey, do you want to hear this? जयपुर के दिल की धड़कन 100.3 FM. माता पिता का अपने बच्चों से लगाव बेहद खास होता है. प्रेम ऐसा जो शब्दों में बयान ना हो सके. जन्म लेने से जीवन पर्यंत पेरेंट्स को कई जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी का अपना अलग स्वभाव और जीवन जीने का अपना अलग नजरिया होता है. उसी तरह हर पेरेंट्स का अपने बच्चों के लालन और पालन पोषण का तरीका भी अलग होता है. हमारे तौर तरीकों में कहां कमी है, क्या सही है, क्या गलत है, किसे बेहतर करने की जरूरत है, आज जानेंगे इन सभी के बारे में. हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मनीष शर्मा. आप सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जेकलॉन हॉस्पिटल जयपुर. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू वेरी मच राकेश. थैंक यू वेरी मच. सर, आज बात करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल पर. तो पेरेंटिंग स्टाइल है क्या, इसके बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे. जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हम बच्चों की जो अपब्रिंगिंग करते हैं, ये अपब्रिंगिंग अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है. आजकल पैकेज का जमाना चल रहा है. तो आप किस तरीके से अपने बच्चों की ब्रिंगिंग अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंटिंग स्टाइल. और आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो एक तरीके से बच्चे की नए जमाने की हॉरोस्कोप है या उसकी जन्मपत्री है, क्योंकि वो डिसाइड करेगी कि आप किस तरीके से आपका बच्चा आगे जाके क्या शेप अप करता है, किस तरह का ह्यूमन बीइंग, किस तरह का सिटीजन, किस तरह का इंसान बनता है. तो अगर अपन मोटे तौर पे बात करें कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती हैं, तो वर्ल्ड ओवर चार मोटे पेरेंटिंग टाइप्स को साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट ने डिसाइड करा है. ये होती हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल, अथॉरिटेटिव स्टाइल, परमिसिव स्टाइल एंड अनइन्वॉल्वड पेरेंट स्टाइल. जी सर. सर, ये क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन के स्वभाव पर डिपेंड भी करता है? डेफिनेटली ये जब बच्चा एक पैदा होता है, तो जैसे अपने पुराने जमाने में हिंदुस्तान में कहा जाता है कि बच्चा एक बिल्कुल कोरा कागज होता है, इज अ प्लेन पेपर, वट एवर यू राइट द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट. तो बच्चा जब हमारे पास आता है, पहले लोग ये भी कहते थे कि एक बच्चा भगवान का रूप होता है, तो भगवान जैसा आप देखोगे हर इंसान को, उसका भगवान उसी तरीके से नजर आता है. तो बच्चा भी उसी तरीके से आता है. माँ बाप की पर्सनैलिटी, माँ बाप की पेरेंटिंग, माँ बाप का बिहेवियर बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आपका बच्चा कैसा बनेगा. इनफैक्ट अगर अपन साइंटिफिकली जाएं तो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल ही डिसाइड करती है कि आपके बच्चे का हाइट, वेट, उसका पॉस्चर, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका बिहेवियरल डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा, और उसके अंदर जो नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी है वो कैसी होगी. सर, सभी तरह की पेरेंटिंग स्टाइल पर आज चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या है. सी, अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव, ये दो तरह के पेरेंटिंग स्टाइल हैं. अगर अपन डिस्कस करें तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को मैं सबसे पहले लूंगा, क्योंकि ये पेरेंटिंग स्टाइल के स्पेक्ट्रम के सबसे लेफ्ट के अंदर आते हैं. ये वो स्टाइल है जिसके अंदर की पेरेंट्स ये कहते हैं कि यू शुड फॉलो द रूल्स. जी, रूल बना दिया है घर के अंदर और वो रूल को फॉलो करना पड़ेगा. क्यों रूल को फॉलो करना पड़ेगा? उसका जवाब ये होता है, क्योंकि मैंने कहा है, बिकॉज आई हैव सेड सो. तो वो एक एक ऑर्डर, एक लॉ के अंदर अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं, जहां पे कि बच्चे को किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना या कोई आर्ग्यूमेंट करना परमिसेबल नहीं होता है. जो माँ बाप ने कह दिया वो फाइनल है, वो बच्चे को पूरा करना है चाहे किसी भी तरीके से करे. तो ये एक ही बहुत ही डिफिकल्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल होती है, जिसमें कि बच्चों को उनकी लाइफ के डिसीजंस के अंदर, उनके डे टू डे डिसीजंस के अंदर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जाता. बच्चे को सिर्फ ऑर्डर दिए जाते हैं और बच्चे को वो ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं. तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट की पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसके के अंदर माँ बाप एक तरीके से उसके ऑफिसर्स बन जाते हैं, जबकि बच्चा 2400 घंटे उन रूल्स को सिर्फ घर के अंदर फॉलो करता है और उनके हिसाब से अपनी जिंदगी काटता है. सर, ऐसा करने के पीछे क्या पेरेंट्स की कोई सोच होती है, या फिर कोई इसे जिद भी हम कह सकते हैं? बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि आप वैसे ही पेरेंट बनते हैं जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं. जी, ये एक बहुत पुराना सोच का तरीका है और ये बहुत ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है, बिकॉज द सर्कमस्टांसेस इन विच यू लिव एंड यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किस तरह का ह्यूमन बिहेवियर का माँ बाप है वो डिसाइड करता है.
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह की पेरेंटिंग के अंदर अपने बच्चे का अपब्रिंगिंग करते हैं तो वो बच्चे का एक फ्री डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो बच्चा सिर्फ रूल को फॉलो करना सीखता है, वो एक अच्छा सर्वेंट होता है बट उसकी खुद की थिंकिंग एंड अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। वो बच्चा अपने आप में एक बहुत बहुत बढ़िया फॉलोअर बनेगा लेकिन एकेडमिकली वो बच्चा बहुत वीक हो जाता है। जब लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर से वो बच्चा गुजरता है तो वो बच्चा उन सिचुएशंस को पास नहीं कर पाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन बच्चों के अंदर उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा कम हो जाती है एंड दे बिकम ए वंडरफुल लायर। वो बहुत ही बेहतरीन झूठ बोलने वाले बच्चे बन जाते हैं क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो उस पेरेंटिंग स्टाइल को टॉलरेट नहीं कर पाता। तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो आंख बंद करके अपने पेरेंट के लॉज, डिफाइंड लॉज को फॉलो करे, या अपने माँ बाप को झूठ बोल के जो वो खुद करना चाहता है वो करे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये झूठ बोलने की टेंडेंसी उस बच्चे के अंदर बढ़ती चली जाती है और पेरेंट के बनाए हुए लॉज को वो ग्रेजुअली तोड़ने लग जाता है। सर, क्या ऐसा भी होता है कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स का हिंसक होना भी होता है? ये एक इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब बच्चा छोटा होता है उस समय के ऊपर आपकी वो जो लॉ मेकर वाली इमेज है उसको वो फॉलो करता है क्योंकि वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली। बट एज द टाइम पासेस बाय वो बच्चा अपनी लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट होता जाता है। बच्चा सबसे पहले फिजिकली इंडिपेंडेंट होता है, फिर सोशली होता है, फिर इमोशनली होता है और फिर इकोनॉमिकली होता है। तो जब बच्चा इंडिपेंडेंट होता जाता है तो वो माँ बाप का कहना नहीं मानता और वो पेरेंट्स बहुत स्टबर्न, जिद्दी पेरेंट्स होते हैं, उनको आदत होती है कि बच्चा उनका कहना मानेगा, तो वो अपने आप में फिर हिंसक प्रवृत्ति या पेरेंट्स और बच्चे के बीच में हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। सर, क्या ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स का जो अपब्रिंगिंग हुई है वो अलग तरीके से हुई लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उनमें परिवर्तन आ गया? लोकल सर्कमस्टांसेस, फैमिली सर्कमस्टांसेस कई बार पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस बात से टोटली अग्री नहीं करता बिकॉज आदमी की जो बेसिक टेंडेंसी है वो कभी नहीं बदलती। इफ यू आर अ गुड पेरेंट, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, इवन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर भी आप अपना अच्छापना नहीं छोड़ोगे। तो जरूर आपकी पेरेंटिंग स्टाइल बदल जाती है, आप जितने लिबरल थे शायद आप खराब फेज से अगर पेरेंट्स गुजर रहे हो तो वो उतने लिबरल ना रहें, थोड़े चिड़चिड़े हो जाएं, बट बहुत ज्यादा जो लोकल सर्कमस्टांसेस हैं वो उनकी पेरेंटिंग स्टाइल को असर नहीं डालती। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल पे बात करते हैं सर, ये क्या है? अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल एक बहुत ही बेहतरीन स्टाइल है। इसके अंदर पेरेंट्स मेक द लॉज एंड दे आस्क चिल्ड्रन टू फॉलो देयर लॉज और देयर रूल्स, बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, वो उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। उसके अंदर एक लीनियंसी होती है, वो परमिसेबिलिटी होती है, वो मैलिएबिलिटी होती है कि वो बच्चे की डिमांड के हिसाब से, बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से अपने लॉज, अपने जो सिस्टम उन्होंने सेट करे हैं उनको ऊपर नीचे करते हैं। इट्स लाइक कि अगर अपन हाई जंप कर रहे हैं तो हमको बार किस लेवल के ऊपर रखना है, तो वो पेरेंट्स बच्चे की उम्र के हिसाब से उस बार की हाइट को ऊपर नीचे करते हैं। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लीनियंट वे ऑफ अपब्रिंगिंग द चाइल्ड, और ये बच्चे की फीलिंग को इस टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग के अंदर वैलिडेट करा जाता है। उसको अपनी फीलिंग्स, जो वो सोच रहा है, जो वो चाह रहा है, वो उसके माँ बाप सुनते हैं, वो उसके ऊपर थॉट करते हैं, एंड इफ दे फाइंड दैट द चाइल्ड इज राइट इन व्हाट ही इज डिमांडिंग, तो वो उसकी उस चीज को पूरा करते हैं। सो इट इज ए अथॉरिटेरियन विद अ लॉट ऑफ लीनियंसी एंड विद अ लॉट ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स वॉट देयर चाइल्ड इज, वो आपका बच्चा आपको क्या चाह रहा है उसके ऊपर होती है। Hey Jaipur, let's rock with Radio Pinkcity 100.3 FM. मैं ता करदा तेरी वे, खोल के दिल देगे, मिलने का दे आया करो। कुछ तो खास, कुछ तो बात है। Are you ready? रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर मैं हूं आपके साथ में राकेश, और आज एफएम फिट एंड फाइन प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, आप सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जेकलॉन हॉस्पिटल जयपुर, और आज सर बात कर रहे हैं पेरेंटिंग स्टाइल पर। तो सर, क्या अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसे परफेक्ट माना जा सकता है?
आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करें तो ये जितनी भी और पेरेंटिंग स्टाइल है उसके अंदर प्रोबेबली ये सबसे बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे को भी सांस लेने की जगह होती है और पेरेंट्स भी अपने रूल्स को बच्चे को फॉलो करवा सकते हैं, बच्चे का एक ओवरऑल विकास उसके अंदर संभव होता है। तो अगर अपन स्पेक्ट्रम के ऊपर रखें तो जहां पे अथॉरिटेरियन जो स्टाइल थी जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में थी, और एक पेरेंटिंग स्टाइल होती है लीनियंट पेरेंटिंग स्टाइल जो कि सबसे राइट में थी, अगर स्केल के ऊपर देखें तो ये उन दोनों के बिल्कुल करीब करीब बीच के अंदर आती है जी, जहां पे कि आप अपने रूल्स भी रखते हैं और लीनियंसी भी रखते हैं, आप अपने बच्चे के लिए एक फ्रेंड होते हैं और साथ ही एक उसके गाइड का भी काम करते हैं, बट ये दोनों रोल इंटरचेंजेबल होते हैं। इसके अंदर बेसिक जो बात है एक अच्छे माँ बाप बनने के अंदर वो ये कि जब बच्चा छोटा होता है तब आप उसके ऊपर रूल को फॉलो करने के लिए एक सिस्टम बना सकते हैं जी, लेकिन जैसे जैसे बच्चा उम्र में बड़ा होता जाता है तो आपको वो जो रूल वाला कॉम्पोनेंट है उसको कम करते जाना पड़ता है और जो एक दोस्त होने का कॉम्पोनेंट है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम ये कहें कि इनिशियल लाइफ के अंदर आप 50% अथॉरिटेटिव एंड 50% फ्रेंडशिप वाला आपका एटीट्यूड है, तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तो ये फ्रेंडशिप वाला कॉम्पोनेंट बढ़ाते रहिए ग्रेजुअली और जो रूल वाला कॉम्पोनेंट है उसको कम करते जाएं, क्योंकि जब आपका बच्चा 20-21 साल का होगा 22 साल का होगा वो इंडिपेंडेंट बच्चा हो जाएगा तो उस समय के ऊपर उसको रूल्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जो अच्छे रूल्स हैं लाइफ को एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए वो आप उसको सिखा चुके हैं, अब उसको एक माँ बाप के तौर पर एक दोस्त की जरूरत है। और जब आप 22 साल की उम्र आते आते उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो फिर वो एक रिलेशन जिंदगी भर आपके और आपके बच्चे के साथ चलता है, क्योंकि आप हमेशा उसके लिए एक रूलर बन के नहीं रह सकते। तो ग्रेजुअली आप फ्रेंडशिप कॉम्पोनेंट अपनी पेरेंटिंग के अंदर बढ़ाते जाएं और रूलिंग कॉम्पोनेंट को धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो आप एक बेहतरीन पेरेंट बन के निकलेंगे जी। सर इसके विपरीत एक पेरेंटिंग स्टाइल आती है जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहता है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इस पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और राकेश, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको अगर साइंटिफिकली डिफाइन करें तो ये अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल है, मतलब उनको बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। ये भी पेरेंटिंग स्टाइल आजकल बहुत कॉमन हो गई है, जब से दोनों माँ बाप नौकरी करते हैं बहुत ज्यादा अपने पेशे के अंदर बिजी रहते हैं, एक्चुअली उनका खुद का करियर उनकी खुद की लाइफ इतनी ज्यादा अहमियत हो जाती है कि उसके अंदर बच्चे की जिंदगी की या उनके घर के अंदर एक दूसरा व्यक्ति भी है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम रह जाती है, तो वो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हो जाते हैं। वो अपने बच्चे को सुविधाएं सारी देते हैं, उनके बच्चे के पास लेटेस्ट गैजेट्स होंगे, घर के अंदर दो दो तीन तीन सर्वेंट होंगे, एक घुमाने के लिए, एक खाना खिलाने के लिए, एक सुलाने के लिए, लेकिन उस बच्चे के पास उसके माँ बाप नहीं होंगे क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बच्चा कभी भी एक सोशल रिलेशन के अंदर रहना नहीं सीखता। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उसका होता है। और दूसरा ये बात कि वो बच्चे जो सोशल बॉन्डिंग माँ बाप की होती है वो बचपन से डेवलप होती है अपने बच्चे के साथ, तो अगर इनिशियल जो फेज है डेवलपमेंट का उस समय के ऊपर अगर बच्चे के माँ बाप उसके साथ अनइन्वॉल्व रहेंगे तो वो बच्चा बड़ा होके एक डिसोसिएटेड पर्सनैलिटी वाला बच्चा बनेगा, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं होगी, उसके अंदर नॉलेज लर्निंग कैपेसिटी नहीं होगी, और लाइफ की जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरेगा तो वो बहुत जल्दी बकल अप यानी टूट जाएगा, वो मतलब वो उस सब चीजों को झेल नहीं पाएगा। और ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा आजकल जब माँ बाप के अंदर डिसहार्मनी चल रही होती है, जब आपसी लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, जब फैमिली प्रॉब्लम चल रही होती हैं, तो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अनइन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक 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 शुरू से भी हुई हुई आदत हो सकती है माँ बाप की, नौकरी पेशा एक्सट्रीमली बिजी पेरेंट्स, या वो पेरेंट्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जिनकी की मन मुटाव चल रहा है, जिनकी की एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वो भी अनइन्वॉल्व पेरेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सर ऐसे में क्या सजेशन आप देंगे कि क्या करना चाहिए जिससे इन्वॉल्वमेंट उनका रहे ज्यादा? देखिए, मैं क्योंकि खुद एक पीडियाट्रिशियन हूं, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, और जब पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जॉब करता हूं या मैं जॉब करती हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप हमको कोई ऐसा तरीका बता दें कि हम इस बच्चे को और क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो मेरा सबसे पहले सवाल ये होता है कि जिस तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर पढ़ना
करियर शादी एक बहुत बड़े मुकाम होते हैं, उसी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा बिजी पेरेंट्स हैं तो बच्चा कब करना है या नहीं करना है इसका भी आपको डिसीजन लेने की एक टाइम होना चाहिए जी, क्योंकि बच्चा जो होगा वो कभी भी ये रियलाइज करता हुआ नहीं होगा कि मैं वर्किंग पेरेंट्स का बच्चा हूं तो मेरे को एक दूसरे तरीके से डेवलप होना है और वो नॉन वर्किंग पेरेंट्स का है। बच्चा बच्चा ही होता है, वो भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा अवतार है, तो उसको पालने के लिए आपके पास आपके अपने बिजी शेड्यूल में से 2-3 साल होने चाहिए। अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो आप दोबारा सोचिए कि क्या अभी सही समय है बच्चा करने का या क्या आप वेट कर सकते हैं। और अब तो हिंदुस्तान की सरकार भी इतनी ज्यादा कंसिडरेट हो गई है कि बहुत सारी मात्रा के अंदर नए पेरेंट्स को, इवन फादर को भी और मदर को भी चाइल्ड केयर लीव मिलती हैं जी। तो जब सरकार आपको सुविधा दे रही है तो फिर आपको वो टाइम, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेरेंट चाइल्ड केयर लीव लेके पता पड़ा कि वो अपनी PhD करने लग गए, वो अपनी फेलोशिप करने लग गए उस टाइम के अंदर। तो इस लीव को मिस यूटिलाइज ना करके वो पूरी की पूरी छुट्टियां आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के ऊपर काटें। सर ऐसा एक समस्या यह भी देखी गई है इन दिनों कि जैसे पहले तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो परिवार में दादा दादी का भी साथ हुआ करता था और परिवार के अन्य सदस्य भी बहुत केयर किया करते थे बच्चों की, लेकिन आजकल सिंगल फैमिली ज्यादा होने लगी है, कमाने के लिए माता पिता बाहर चले जाते हैं और ऐसे में वो समय नहीं दे पाते। हाँ मतलब तो वो... ये भी एक मतलब एक कारण ये भी है कि पेरेंट्स का बच्चों को सही सानिध्य नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आजकल के जमाने के अंदर, क्योंकि जमाना चेंज हो रहा है, दो आदमियों को घर चलाने के लिए कमाना जरूरी होता है तो माँ बाप को दोनों को अमूमन नौकरी करनी पड़ती है। बट उस सबके बीच में इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप बनना आसान काम नहीं है, ये भी अपनी लाइफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपने रिस्क और बेनिफिट्स को वे करना आना चाहिए कि किस समय के ऊपर आप अपने प्रोफेशन के अंदर सबसे लाइट होंगे, उस समय के ऊपर आपको अपना बच्चा प्लान करना चाहिए और आपको एक पेरेंट के ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ माँ के ऊपर जिम्मेदारी दे दी कि बच्चा पालना माँ की जिम्मेदारी है। पेरेंटिंग एक ज्वाइंट वेंचर है जिसमें कि माँ और बाप दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो अगर एक माँ नौकरी पेशा है, आप उसे कहो कि बच्चा पालने के लिए साल भर तक या 2 साल तक या 3 साल तक घर पे बैठो, अपना करियर साइड में रख दो, तो ये थोड़ा ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि बाप की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी की माँ की। तो अगर मिल बांट के काम करेंगे तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। बिल्कुल सर। कुछ खूबसूरत सुरीले पल ओनली फॉर जयपुराइट्स विद रेडियो पिंकसिटी 100.3 FM। सर परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल पर बात करते हैं तो ये कौन सी तरह की पेरेंटिंग स्टाइल है? परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल एक बहुत ही लीनियंट पेरेंटिंग स्टाइल होती है। इसमें पेरेंट्स जब ही इंटरफेयर करते हैं, जबकि उनको लगता है कि हमारा इंटरफेरेंस बच्चों की लाइफ के अंदर जरूरी है, ये पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा फॉरगिविंग होते हैं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। और एक इनकी एक पंच लाइन होती है कि द किड्स विल बी किड्स, बच्चे बच्चे ही रहेंगे, तो वो एक तरीके से फॉरगिविंग पेरेंट्स होते हैं। वो बच्चों की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, बच्चों को एनकरेज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। ये एक बहुत ही फ्रेंडली पेरेंटिंग स्टाइल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस बाउंडेशंस बच्चों के ऊपर नहीं होती। पेरेंट्स मोर और लेस एक दोस्त की तरह अपने बच्चों के साथ बिहेवियर करते हैं। तो अगर हम पूरा स्पेक्ट्रम पेरेंटिंग का डिस्कस करें तो अथॉरिटेरियन जो एक्सट्रीम लेफ्ट में थी और जो लीनियंट सबसे राइट में थी, उसके बाद परमिसिव पेरेंटिंग आती है। परमिसिव पेरेंट लीनियंट पेरेंट से बस थोड़े से ही कम होते हैं कि लीनियंट अनइन्वॉल्व पेरेंट्स जो बात करी थी कि अनइन्वॉल्व पेरेंट्स बच्चों के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन परमिसिव पेरेंट्स उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ पिकनिक पे जाएंगे, बट वो उनके एक दोस्त ज्यादा होंगे बजाय एक माँ बाप होने के। तो सर इसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसमें क्या इन्वॉल्व करना चाहिए? ये वैसे एक बहुत ही बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है, लेकिन इस स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि अगर ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल आपने बच्चे के जिंदगी के अंदर बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दी, जबकि बच्चे के वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जब वो स्कूल जाता है
पढ़ाई के लिए जाता है, जबकि उसको शाम को ग्राउंड पे भी जाना चाहिए, उसका एक डिसिप्लिन करने का टाइम आता है। उस समय के ऊपर अगर आप इस पेरेंटिंग स्टाइल के साथ अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करेंगे तो बच्चा थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं लाइफ के अंदर, डिसिप्लिन क्या होता है लाइफ के अंदर, उसको उस चीज का एहसास ही नहीं रहेगा। जी सर, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैं कैलाशन कुमार बोल रहा हूँ। मेरा पूछना है, पहले के बच्चे तो आंख देखते ही घबरा जाते थे, और आज के बच्चे तो बिल्कुल, ऐसा कौन सा मतलब तरीका अपनाए बच्चों के साथ जो डरे पेरेंट्स? देखिए साहब, मैंने आपको चार तरह के पेरेंटिंग स्टाइल बताए, एक अथॉरिटेरियन, एक अथॉरिटेटिव, फिर उसके बाद एक परमिसिव और एक लीनियंट। तो आपको अपने बच्चे के हिसाब से अपना जो बच्चा पालने का अंदाज है उसको बदलना पड़ेगा। आप हमेशा ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अपने 22 साल के बेटे से कि वो आपकी आंख देखते ही आपसे घबरा के और दूसरे गेट के रास्ते से निकल जाए। 22 साल का लड़का आपका एक दोस्त ज्यादा होना चाहिए, आपका बच्चा कम होना चाहिए, और आपके घर के अंदर अगर कोई 5 साल या 10 साल का बच्चा है तो उसको आपके बारे में आपसे पूछने की आदत होनी चाहिए। ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपकी एक आंख से डर जाए, क्योंकि आप उसके लिए कोई एक एक दैत्य बन के नहीं पैदा हुए हैं। पेरेंट्स आप उसके माँ बाप हैं, आप उसको जो भी कहें, बच्चा आपकी बात समझना चाहिए, बच्चा आपकी बात डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के दुनिया के अंदर ना कोई जंग जीती गई है और ना कुछ हुआ है। तो हर चीज प्यार से ही संभव है, वो प्यार की डिग्री उम्र के साथ, बच्चे की उम्र के साथ आपको चेंज करनी आनी चाहिए। सर ऐसा बहुत देखा गया, अमूमन ये देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि बच्चों में थोड़ा डर होना चाहिए पेरेंट्स का, इतने भी ना कि मतलब सिर पर चढ़ जाएं, ऐसा कुछ मतलब हमेशा ये हर कोई बोलता है। तो ये कितना सही कितना गलत, और कितना डर होना चाहिए? नहीं, बच्चे के अंदर माँ बाप का डर नहीं होना चाहिए। ये एक पीडियाट्रिशियन बोल रहा है कि अगर आपने अपने बच्चे के अंदर अपने से ही डर पैदा कर दिया, आपका बच्चा क्या है? आपका बच्चा आपका एक एक्सटेंशन है। आपका बच्चा अगर आपसे डरने लग जाएगा तो वो दुनिया में समस्याओं से जब घिरेगा तो वो किससे अपनी बात करेगा? आप सोचिए कि अगर वो बच्चा अपने माँ बाप से ही डरता है तो वो अपनी समस्याएं कभी किसी से शेयर नहीं करेगा, वो झूठ बोलना सीख जाएगा, वो अपनी समस्याएं दूसरे आदमियों के साथ शेयर करेगा जो कि उसके माँ बाप नहीं है। उसके बारे में सबसे भला सोचने वाले इंसान दुनिया में अगर कुछ हैं तो वो उसके माँ बाप हैं। तो बच्चे के साथ डर नहीं होना चाहिए, बच्चे के साथ प्यार होना चाहिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं ममता शर्मा बोल रही हूँ। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक माँ है वो अपने सब बच्चों को एक साथ ही प्यार करती है, एक जैसा व्यवहार रखती है उनके पास, उसके बावजूद बच्चे जो है वो ये क्यों सोचते हैं कि उसको ज्यादा प्यार कर दिए, उसको कम प्यार कर दिए, वो तेरा लाडला बेटा, तो ये क्यों होता है? देखिए ममता जी, ये आपकी सोच है कि आपका बच्चा ऐसे सोचता है। जब आपने अपने सारे बच्चों को बराबर प्यार किया है तो हर बच्चे का एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको जैसे बताऊं, एक उदाहरण दूं कि आपके घर में एक लड़का है एक लड़की है, तो आपकी लड़की आपके लिए हमेशा ज्यादा एक्सप्रेसिव होगी और आपका लड़का आपके लिए कम एक्सप्रेसिव होगा। तो आप ये नहीं सोच सकते उसके अंदर कि आपकी लड़की आपसे ज्यादा प्यार करती है और आपका लड़का आपसे कम प्यार करता है। ये एक बच्चे की एक्सप्रेशन की क्वालिटी होती है जो कि भगवान ने हर बच्चे को अलग अलग दी हुई होती है। अगर आप उसके दिल में झांकें तो अगर आपने अपने बच्चों को बराबर प्यार करा है तो ऐसा संभव नहीं है कि बच्चे ये सोच लें कि माँ बाप अलग अलग बच्चे को अलग अलग प्यार करते हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM पर मैं हूँ आपके साथ में राकेश, और आज FM फिट एंड फाइन प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, आप सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जेकलॉन हॉस्पिटल जयपुर। सर, पूजा देवनानी जी का सवाल है, वो जानना चाहती है कि हम घर में तो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनसे बिहेवियर भी अच्छा रखते हैं, लेकिन जब घर से बाहर बच्चे जाते हैं तो कोई गलत संगत हो तब उन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए मैडम, आप हमेशा एक बबल, अपने बच्चे को एक बबल के अंदर नहीं रख सकते। आपका बच्चे की अपब्रिंगिंग, अच्छी अपब्रिंगिंग या खराब अपब्रिंगिंग, इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने उसको कितना सही और कितना गलत चुनना बताया है। आप हमेशा अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे मैनर्स, अच्छे बुले के अंदर पहचान करना सिखाया है तो फिर वो कैसी भी गलत संगत के अंदर रह ले वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ने उसको बेसिकली एक अच्छा इंसान बनाया है। तो अच्छे पेरेंटिंग की टिप यही है कि उसे एक अच्छा, समझदार, अच्छे बुरे में फर्क करने वाला इंसान बनाएं, वो दुनिया की किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर चेंज नहीं होगा।
सर क्या माता पिता दोनों में अलग अलग तरीका हो सकता है बच्चों को पालने का? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है राकेश, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि फादर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मदर को थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। बट समाओ मैं इस चीज को कभी भी एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि फादर हमेशा ही डरावना हो और मदर हमेशा ही प्यारी सी हो। दोनों ही बहुत प्यारे भी हो सकते हैं और समय पड़ने पर दोनों ही अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि क्यों आप उस बच्चे का एक जो माँ बाप अच्छे माँ बाप का जो एक 100% शेयर है उसको क्यों इमीडिएटली 50% में कन्वर्ट कर रहे हैं? होगा ये कि वो बच्चा अपने फादर के साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा और वो हमेशा अपनी मदर के साथ कनेक्ट होता चला जाएगा। और खुदा ना खास्ता कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि फादर मदर को अलग अलग जाके काम करना पड़ा और बच्चे को फादर के साथ काम करना पड़ा, तो वो अपने फादर के साथ तो कभी कनेक्टेड था ही नहीं। इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि बच्चा दोनों माँ बाप के साथ इक्वली कनेक्टेड और इक्वली कम्फर्टेबल। यही कारण है कि बच्चे माँ के ज्यादा करीब होते, क्योंकि एक हमारे हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग ये है कि फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट होने चाहिए क्योंकि उनके डर से, वही वाली जो बात हुई ना जो पहले किसी जनाब ने पूछा कि कितना डरना चाहिए, तो हम बच्चे को डराने के लिए नहीं हुए, हमने बच्चे को डराने के लिए पैदा नहीं किया है। हम दोनों बराबर का प्यार करेंगे चाहे वो किसी के भी साथ रहे और कैसे भी रहे। सर कई बार परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को पाल रहे हैं और या तो पिता का देहांत हो गया या माता का हो गया, और ऐसी परिस्थितियां भी है कि पिता बाहर रहते हैं कमाने के लिए अपने जॉब के लिए, तो ऐसे में किस तरह की परिस्थितियां बनती है बच्चे पर? ये बहुत ही राकेश वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स धीरे धीरे हमारे देश के अंदर भी बढ़ते जा रहे हैं। कई सर्कमस्टांसेस हैं, मैरिज डिसहार्मनी हो गई, तलाक हो जाना, सेपरेशन में रहना, नौकरी के कारण सेपरेशन में रहना, कुछ भी कारण है, तो इसके अंदर बच्चे के ऊपर भी ट्रॉमा पड़ता है और सिंगल पेरेंट के ऊपर भी ट्रॉमा पड़ता है। क्योंकि बच्चे, हर बच्चे की अपने पेरेंट्स माँ और बाप के ऊपर उसकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो कि उसको एक सिंगल पेरेंट के ऊपर डाइवर्ट करनी पड़ती हैं, और पेरेंटिंग के अंदर फादर और मदर की जिम्मेदारी होती है जो कि सिंगल पेरेंट के ऊपर पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है। तो इसके कुछ चार पांच अच्छे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहली चीज तो ये कि आप अपने बच्चे को, अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आप अपने बच्चे को हमेशा अपना प्यार जताइए, आप उसको ये दिखाइए कि आप उससे बहुत ज्यादा बेहद प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। फिर आप उसके लिए एक रूटीन बनाइए कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर के अंदर अपने एक रूटीन के अंदर व्यस्त रहे। वो रूटीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टाइम पे टीवी देखो, इस टाइम पे खाना खाओ, इस टाइम पे ये करो, एक ये कि शाम को खेलने जाना है, दिन में पढ़ना है, ये करना है, तो वो अपने रूटीन के अंदर इतना इन्वॉल्व रहेगा कि उसको दूसरे पेरेंट ना होने की कमी इतनी खलेगी नहीं। तीसरा, अगर आपके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको कोई सर्वेंट के पास उसको रखना है, छोड़ना है, आप 8 घंटे के लिए नौकरी पर जा रहे हैं, तो बहुत ही क्वालिटी सर्वेंट को आप सर्च करें, चाहे आपको उसके लिए 2 पैसे ज्यादा खर्च करने पड़े, लेकिन आपका सर्वेंट क्वालिफाइड होना चाहिए और अच्छा सर्वेंट रखें, ना कि कम पैसे के चक्कर में किसी उलझलूल व्यक्ति को रख ले। और दूसरे, अपने घर के अंदर कुछ एक सेट रूल्स रखें सिंगल पेरेंटिंग में, अदरवाइज फिर वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप बिल्कुल रूल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर वो बच्चा आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कभी भी गिल्टी फील ना करें कि मेरी गलती के कारण आज मेरे बच्चे को माँ ऑब्लिक वैसे वर्षा बाप का प्यार नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी फैमिली के अंदर या आपके परिवार में जो भी मिस हैपनिंग हुई, आप अलग हुए या कुछ भी हुआ, वो आपकी गलती नहीं है। तो अपने ऊपर, अपने अंदर गिल्ट ना लाएं, क्योंकि वो गिल्ट आपके बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा झलकेगा। एंड फाइनली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर रवि जी का सवाल है कि क्या लड़के और लड़की में पेरेंटिंग स्टाइल, उनको जब पाल रहे हैं हम तो पेरेंटिंग स्टाइल अलग अलग होनी चाहिए, कुछ फर्क हमें रखना चाहिए? और साथ ही उनका सवाल है कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी क्या क्या भूमिका रहती है माता पिता के अलावा? पहली चीज, एब्सोल्यूटली मैं इस चीज के लिए मना करता हूं कि लड़के लड़की की अपब्रिंगिंग के अंदर फर्क होना चाहिए। ये बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, बॉयज डोंट क्राई। ये हमारे देश के अंदर एक प्रथा चली आ रही है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। चोट भी लग जाएगी, वो रो रहा होगा तो माँ बाप कहेंगे क्या लड़कियों की तरह रोता है जी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। माँ बच्ची और बच्चे की अपब्रिंगिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। सिर्फ माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि जो उनके फिजिकल फर्क है उनको वो बता के रखें बच्चों को जी। एक लड़के या लड़की के अंदर जो फिजिकल फर्क है उसके बारे में दोनों को नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा अपब्रिंगिंग के अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, परिवार के हर सदस्य का अपब्रिंगिंग के अंदर रोल होता है। दादा दादी या नाना नानी सिर्फ बच्चों को
सर चढ़ाने या बिगाड़ने के लिए नहीं होते, वो भी एक एक्सटेंडेड पेरेंट्स होते हैं जो माँ बाप ने बच्चों के लिए एक जो सॉफ्ट रूल्स बनाए हैं, मैं हमेशा कहूंगा सॉफ्ट रूल्स, और जो रिलैक्सेशंस हैं और जो रिवॉर्ड और लव अफेक्शन है, उस सेम स्ट्रीम को दादा दादी या नाना नानी को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज बहुत कॉमनली ये होता है कि पेरेंट्स के कुछ बनाए हुए रूल्स हैं उनको टोटली जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ब्रेक कर देते हैं, तो होता ये है कि वो बच्चा माँ बाप के पास से तुरंत अपने दादा दादी के पास चला जाता है और वहां पे वो सारा रूल फ्री होके रहने लग जाता है, तो वो एक वो डिस्पैरिटी हो जाती है अपब्रिंगिंग। बिल्कुल सर, ऐसा भी बहुत बार ऐसा हर परिवार में होता है शायद कि बच्चा नाराज है माता पिता से तो दादा दादी पक्ष लेते हैं और उसको सिर चढ़ाने वाली जो बात आप कह रहे हैं। Hey, do you wanna hear this? जयपुर के दिल की धड़कन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर मैं हूं आपके साथ में राकेश, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, आप सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर। सर अब आखिर में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आखिर में संदेश मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो राकेश थैंक यू वेरी मच, आज तुमने मेरे सारे फेवरेट गाने प्ले करे, तो आज की मॉर्निंग तुमने एक्चुअली गुड मॉर्निंग बना दी मेरे लिए। और दूसरा पेरेंट्स के लिए, मैं खुद भी एक पेरेंट हूं, मेरा एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में, एक बड़ी बच्ची है, मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे आपके हैं, आप उनके सबसे बढ़िया दोस्त बने, आप जितने उनके दोस्त बनेंगे उतने आपके बच्चे आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, और आपसे बेहतरीन व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता जो कि अपने बच्चों को मुश्किल टाइम के अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो उन्हें डराए नहीं, उनके दोस्त बने, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद डॉक्टर मनीष शर्मा, आप सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने जयपुर से बात की और इतनी अच्छी जानकारी उन्हें दी, थैंक यू वेरी मच।